गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है वो मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वो ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा। वो सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जेहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है, इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पाया।